गाजर का हलवा तो आपने हजारों बार बनाया होगा, तो छोड़िए उस पुराने गाजर के हलवे को और इस बार बनाइए गाजर की एकदम नई रेसिपी। बहुत ही जूसी, सुपर सॉफ्ट और टेस्टी। यकीन मानिए, एक बार खाने के बाद आप हलवा खाना तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जूसी सी और टेस्टी सी रेसिपी कैसे बनानी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी गाजर। तो यहाँ पर मैंने 4 गाजर ले ली हैं जिनको छील लिया है। कोशिश करिए बढ़िया लाल रंग की गाजर लीजिएगा। तो सबसे पहले इन गाजर को हम गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप इसको रफली कैसे भी काट सकते हैं, छोटे बड़े टुकड़ों में। आप चाहे तो चौकोर टुकड़े भी कर सकते हैं या नॉर्मली जैसे हम लोग अदर सब्जियां काटते हैं वैसे काट सकते हैं। तो मैंने इनको गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है इडली के मोल्ड की जो प्लेट्स होती है ना, उनको ले लिया है। अगर आपके पास इडली का मोल्ड नहीं है तो जो जाली वाली छन्नी होती है ना, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं या फिर स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इन गाजर के स्लाइसेस को हम सभी खांचों में अरेंज करेंगे। एक बार में जितने आसानी से बन जाते हैं 5, 6, 7, उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, जितने आसानी से बन जाएं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही प्लेट में गाजर की स्लाइसेस को अरेंज कर लिया है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पर हमने इडली वाले मोल्ड में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है तो ये जो प्लेट्स हैं इनको हम रखेंगे। अब हम इन गाजरों को कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे। भाप में पकाने से इनमें पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इनका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा हमारी रेसिपी में। तो चलिए हम 5-7 मिनट के लिए भाप में पकने देते हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गाजर जो है कुक हो चुकी हैं, इसलिए इनको उबालना नहीं है पानी में, डायरेक्टली डाल करके भाप में ही पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक गाजर को हम मसल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रही है, यानी कि कुक हो चुकी है। तो गैस को बंद कर देंगे और इनको हम निकाल करके अलग रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। गाजर ठंडी हो चुकी हैं तो अब हम इनको फटाफट से ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गाजर डालने के बाद बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इनको जब भाप में पकाया था तो इनमें काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है। तो बिना पानी डाले ही इन गाजरों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो हमने गाजर को अच्छे से पीस लिया है। मैं आपको एक स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ। बिल्कुल भी गाजर के टुकड़े नहीं रहने चाहिए और इसको पीसने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही क्विकली पिस जाती है। तो देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, क्योंकि हमने इनको भाप में पकाया था ना, इसकी वजह से इसका कलर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो चलिए इस पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब फटाफट से यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी और साथ ही में हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, लगभग आधा कप के करीब। यहाँ पर हमें चीनी का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि अभी हम आगे की रेसिपी में चीनी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कम करना है मैं भी आगे आपको बताऊंगी। आप चाहे तो चीनी यहाँ पर ना भी डालें तो भी चलेगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हम इसलिए करना है क्योंकि जो सूजी होती है ना, वो थोड़ी सी दरदरी टाइप की होती है, और ग्राइंड करने के बाद देखिए कितनी बारीक हो गई है। तो इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और हम जो रेसिपी बनाएंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बस ये जो चीनी और सूजी का मिश्रण था ना, इसको हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। मैदा ना हो तो आप चावल के आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदा डालने से एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी पेस्ट में, ऊपर से जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, उसमें बहुत ही बढ़िया सॉफ्टनेस आएगी, इसलिए मैदा यहाँ पर डालना ज़रूरी है। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम मिल्क पाउडर, यानी कि लगभग हमने 4 छोटी चम्मच मिल्क का पाउडर यहाँ पर ऐड किया है। पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको ऐसे ही थिक रहने देंगे, हम बाद में इसकी कंसिस्टेंसी फिक्स करेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी ना, तो सूजी का जो दाना है वो अच्छे से फूल जाना चाहिए, इसलिए हम इसको रेस्ट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं, जब तक हम अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी
और 1 कप चीनी ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे, यानी कि बराबर क्वांटिटी में हम दोनों चीज़ें डालेंगे। चीनी को हम डिज़ोल्व होने देंगे, साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन जो हम मिठाई वगैरह बनाते हैं ना तो इलायची काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसको पकने देते हैं। तो हमें तारवार नहीं बनाना है, जब तक कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हमें इसको पकाना है। चाशनी को पकाते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं चाशनी गाढ़ी हुई या नहीं। तो इस तरह से आप उंगलियों की मदद से चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल तार नहीं बन रहा है, केवल एक चिपचिपापन सा समझ में आ रहा है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और जो पेस्ट था, मिश्रण था, वो काफ़ी अच्छे से फूल गया है और पहले से ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको बढ़िया से बैलेंस करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी फिक्स करेंगे। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करना है। तो देखिए अभी मैं गिरा रही हूँ ना, तो एक धार में नहीं गिर रहा है, मतलब इतना होना चाहिए कि हम गिराएं तो एक कॉन्टिन्यू जो बैटर है वो गिरना चाहिए। तो रुक रुक कर गिर रहा था, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, ऐसे ही हमें चाहिए थी। तो बस इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा कैरेट फूड कलर, यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, आपके पास कैरेट वाला है तो वो भी डाल सकते हो, वो भी चलेगा। तो थोड़ा सा कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। वैसे तो फूड कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल था, क्योंकि कलर वैसे ही बहुत अच्छा था, बट मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ट्विस्ट दे दिया है ताकि हमारी जो मिठाई बनने वाली है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत सी बने। तो अब देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन में हमने थोड़ा देसी घी गरम होने के लिए रख दिया है। ज़रूरी नहीं है आप ये रेसिपी देसी घी में ही बनाएं, आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। घी मीडियम गरम हो चुका है, अब हम एक चमचा भर करके इस बैटर को लेंगे और इसको डाल देंगे। हल्का सा हम इसको शेपअप देंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा मत फैलाना, इसको छोटा छोटा ही बनाइएगा, अच्छे लगते हैं देखने में। तो देखिए एक चमचा भर करके हम बैटर को डालते जा रहे हैं और हल्का सा हम चम्मच से इसको चला रहे हैं, और आपको छिड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। इसी तरह से एक बार में जितने आसानी से मालपुआ बन जाए उतने डालने हैं। ये हम बनाने वाले हैं गाजर के मालपुआ, आपने शायद ही है कभी इस रेसिपी को ट्राई किया हो, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करना है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, ताकि ये बढ़िया से सिक जाए, और इसको जब तक के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये ऊपर की तरफ उठ करके तैरने नहीं लगते हैं। 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं सभी मालपुआ ऊपर की तरफ तैरने लगे हैं। तो चलिए अब हम इसको पलटेंगे। तो आप इनको बहुत ही केयरफुली पलटिएगा, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आपने ज़ोर से करछली चला दी तो ये टूट भी सकते हैं। मालपुआ हैं भाई तो नरम नरम तो होंगे ही। तो चलिए अब हम इसको पलटेंगे और पलट करके हम दूसरी साइड भी इनको सेकेंगे और उलटते पलटते हुए बढ़िया से हम इनको सेक लेंगे। सेकते समय एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, वरना ये बाहर से तो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लीजिए हमारे जो मालपुआ हैं बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, तो इनको हम करछली की मदद से निकाल लेते हैं। तो आप कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा आया है, और देखिए कितने नरम बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला था ना कि आप चाहे तो बैटर में चीनी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हमने इसलिए चीनी का इस्तेमाल किया था कि इन मालपुआ को आप बिना चाशनी में डुबोए डायरेक्टली ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप 2 तरीके से इनको सर्व कर सकते हैं, या तो आप सीधे ही ऐसे सर्व कर लीजिए, या फिर आप चाशनी में डुबो करके भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो हमने इनको गर्मा गर्म तो निकाल लिया है, फटाफट से दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं। जब तक दूसरा बैच सिक रहा है, जब तक हम इन गर्मा गर्म मालपुए को डायरेक्टली हम चाशनी में डालेंगे। मालपुआ गर्म गर्म ही डालने हैं, अगर ठंडे हो जाते हैं तो फिर आपको चाशनी को गर्म करना ज़रूरी है, एक चीज़ को गर्म करना ज़रूरी है। तो बस अब हम एक चमचे की मदद से इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चाशनी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, यूज़ होने के बाद बच जाती है, इसलिए बहुत ही कम ही बनाई थी। तो इस तरह से या तो आप इसके ऊपर डाल दीजिए या फिर आप इसको पलट दीजिएगा, तो दोनों तरफ से ये बढ़िया रसीले और मीठे मीठे से हो जाएंगे। तो बस इनको हम 2 मिनट के लिए गर्म गर्म ऐसे ही पड़े रहने देंगे और 2 मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे।
तो इन सेकंड बैच को भी हम एक बार पलट लेते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए फटाफट से इसको हम निकालेंगे। देखिए कितने जूसी और कितने सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे गाजर के मालपुआ। कलर देखिए बिल्कुल गाजरों जैसा ही लाल लाल सा ऑरेंज सा कलर आया है। तो चलिए अब सेकंड बैच के जो मालपुए थे इनको भी हम निकालेंगे और तुरंत ही हम इनको चाशनी में डालते जाएंगे। तो आपके देख कर ही मुँह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये देखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो इनको हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ भी बढ़िया से चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम अच्छा लुक देने के लिए गार्निश कर देते हैं पिस्ता के साथ। तो लीजिए तैयार हैं गाजर के नरम नरम से और सॉफ्ट सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाले मालपुआ। आप अगर इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं तो कैरेट डिलाइट भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो आप इस गाजर के मालपुआ की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। मेहमानों को भी खिलाएंगे तो यकीन मानिए तारीफ ही तारीफ पाएंगे। तो भाई इस सर्दियों में क्यों बार बार वही गाजर का हलवा बनाना है, इस बार ये नई रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।